प्रहलाद लोधी की सदस्यता को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कोर्ट के फैसले में राज्यपाल का दखल जरूरी नहीं है, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रहलाद लोधी अभी भी विधायक हैं और वे विधानसभा आएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। बर्खास्त विधायक प्रहलाद लोधी को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी सदस्यता बहाली के लिए अब भाजपा राज्यपाल के यहाँ गुहार लगाएगी। एक दो दिन में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के नेतृत्व में भाजपा विधायक राज्यपाल लालजी टंडन से मिलकर लोधी की सदस्यता बहाल करने की मांग करेंगे, जिसे लेकर कमलनाथ सरकार में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले में बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता का जिक्र नहीं है, कोर्ट ने उनकी सजा पर स्टे दिया है, सदस्यता पर नहीं। वहीं उन्होंने बीजेपी के राजभवन जाने और सदस्यता बहाल करने की मांग पर कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने नियमानुसार कार्यवाही की है, कोर्ट के मामले हैं, राज्यपाल का दखल जरूरी नहीं है। देखो, प्रहलाद लोधी का तो जो कुछ होना था सब हो चुका है, उस पर बिला वजह अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आज वो पूर्व विधायक हैं और यही सत्य है, यही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश की विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनके निर्णय है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सख्त लहजे में कह दिया कि विधानसभा अध्यक्ष ने द्वेषतापूर्वक कार्रवाई की है और प्रहलाद लोधी विधायक हैं और वे विधानसभा आएंगे। अब ये सपने देखना छोड़ दें, जनता तबाह और बर्बाद हो रही है। माइक नीचे कर रहे हैं, इसमें से आई भाई में हाहाकार मचाए, कितने ये लोग ऐसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जाती है। और ईमानदारी से अगर हिम्मत नहीं मिल सकता तो बेईमानी करो, अयोग्य घोषित करवा दो। गौरतलब है कि विधानसभा शीतकालीन सत्र की तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में प्रहलाद लोधी को लेकर सियासी खींचतान मच गई है। अब देखना होगा कि आखिर प्रहलाद लोधी विधानसभा में पहुंचते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।